क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. नाउ व्हाट इज फैक्टराइजेशन? दैट इज द सेम वे टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल. जीरोस कैलकुलेट करो या फैक्टराइज करो, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है. जीरोस में हम क्या करते हैं, जो फैक्टराइजेशन के पार्ट आए हैं उन फैक्टराइजेशन के पार्ट को फिर इक्वल टू जीरो कर देते हैं और एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फैक्टराइज पहले होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल, और उसके बाद उस फैक्टराइजेशन टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को यदि जीरो के इक्वेट कर लेंगे तो वो आपको क्या दे देंगे, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल. तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनोमियल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास 10 स्टैंडर्ड, ठीक है. बट फैक्टराइज करना जो है वो हम इस 9th स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल. अब फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड दैट इज डन बाय द मेथड नेम इज मिडल टर्म splitting, that you have discussed in the 8th standard. Same वही 8th standard वाला process आपको use करना है. Quadratic polynomial को आपको क्या करना है, factorize करना है by the process named as middle term splitting. जैसे आपको polynomial दिया हुआ है px is equals to x square plus 7x plus 12, that is your quadratic polynomial. Now you just factorize this quadratic polynomial by using middle term splitting. So now why this method is named as middle term splitting? Because we divide this middle term 7x in such a two parts such that their addition or difference comes equals to 7x and their product comes equals to product of first term and third term. हाँ जी, देखिए मैं इन जनरल बोल रहा हूं, इसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूं. मैं क्या बोल रहा हूं कि हम इस मिडल टर्म को इस अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे कि इस मिडल टर्म का एडिशन या डिफरेंस, मतलब मिडल टर्म को हम जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों पार्ट्स को आइदर वी एड और आइदर व्हेन वी सबट्रैक्ट दोस टू पार्ट्स देन देयर एडिशन और डिफरेंस कम्स equals to middle term and their product, the product of those two terms comes equals to the product of first term and the product of first term and the third term. मतलब वो बीच वाली जो term है उसका दो part में division होगा. पहला वाला part जो दो part जो बनेंगे उन दो part में से उन दोनों पार्ट का एडिशन या डिफरेंस करेंगे तो वो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए. तो अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपकी मिडिल टर्म क्या है, 7x. सो यू डिवाइड दिस 7x इन टू पार्ट्स इन अ सच अ वे दैट देयर एडिशन कम्स 7x एंड देयर प्रोडक्ट कम्स 12x स्क्वायर. प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर, क्योंकि 12 into x square, 12x square. First term और third term का product क्या है, 12x square. और उन दोनों का addition क्या आना चाहिए, 7x. तो आप check करिए, दो ऐसे number लेने हैं जिनका product क्या होना चाहिए, 12, और जिनका addition या difference क्या होना चाहिए, 7. अब जैसे देखिए, ठीक है, 3 and 4 will be the answer, but चेकआउट कैसे करना है, 12 into 1 किया, 12 तो हो गया प्रोडक्ट लेकिन उनका डिफरेंस, उनका एडिशन 7 नहीं आया. फिर हमने लिया 6 into 2 इज ऑल्सो 12, बट वो भी क्या आया, 12 तो प्रोडक्ट तो आ गया लेकिन उनका एडिशन जो है अभी भी 8 आ रहा है, यहाँ एडिशन 13 आ रहा है यहाँ. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज 4 into 3. 4 into 3 comes 12 and 4 plus 3 comes 7. तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x. So how to divide this 7x into the two part, x square plus 4x plus 3x plus 12.
नाउ रीग्रुप द टू टू टर्म्स, अब दो दो टर्म्स रीग्रुप करेंगे, ठीक है, इन दोनों टर्म में x कॉमन आया, x कॉमन x प्लस 4, अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, x प्लस 4, ठीक है, तो x x प्लस 4 एंड x प्लस 3, दीज टू फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, इज दैट क्लियर? Any doubt in that part? Anyone? भाई दो का ही रिप्लाई आया, बाकी का नहीं आया. Anyone else? Okay. Now we are moving next question of same variety. Now next question we are taking, now polynomial is 6x square plus 17x plus 5, ठीक है, अब जिनको आ रहा है वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, now we divide this 17x into two parts so that the products comes equal to, उन दोनों parts का product क्या आना चाहिए, 30x square, 6x square into 5, 30x square, और their addition comes 17x, so देखिए 30x के लिए 30 into 1 करें तो नहीं बन रहा है, फिर 15 into 2, देखिए 15 into 2 30 हो गया और 15 plus 2 17 हो गया, so the factorization of 17x is 15x plus 2x. So 6x square plus 15x plus 2x plus 5. Is that clear? आपको 17x को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट 30x square है और उनका एडिशन डिफरेंस क्या है, 17x. ठीक है? Now, x at one more term is as a common 3x, 3 common आ जाएगा, 3x, तो ये हो जाएगा 2x plus 5. Now, next two terms जो है, already 2x plus 5 है, तो we are taking now, 1 as a common, plus 1, 2x plus 5. इस तरीके से रहता है, तो, हाँ, तो common 1 लेना है, 3x plus 1, 2x plus 5. That is your px. px is equals to 3x plus 1, 2x plus 5. Is that clear? Any doubt? ठीक है? Next, one more variety we have discussed. Middle term splitting. Now, px is equals to y square minus 8y plus 12. Sorry, px की जगह py लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल y है. So, py is equals to y square minus 8y plus 12. Now, we divide this middle term minus 8y in such a two parts that their difference or addition comes minus 8y and their product comes 12y square. Product क्या आना चाहिए? No. ठीक है? Y square into 12, 12y square. तो देखिए दोनों का product क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए. तो देखिए 6 into 2 That comes 12. 6 into 2 क्या होगा? 6 into 2, 12. And 6 plus 2, 8. So, both the terms are negative. इदी दोनों negative हो जाए, means 1 minus 6 and 1 minus 2. So, their addition comes minus 8 and their difference comes, sorry, their product comes plus 12.
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस टू वाई प्लस वन। सो रीग्रुपिंग किया, वाई कॉमन वाई माइनस सिक्स, माइनस टू कॉमन वाई माइनस सिक्स, सो वाई माइनस टू वाई माइनस सिक्स, y माइनस टू y माइनस सिक्स, इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम वैरायटी। नाउ px इज x square minus 3x minus 40. Now we divide minus 3x in a such a two parts that their addition or difference comes minus 3x and their product comes minus 40x square. Their product comes माइनस 40x स्क्वायर, और जिनका एडिशन या डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, माइनस 3x। सो हाउ कैन वी डिवाइड, देखिए प्रोडक्ट 40 चाहिए तो 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, बट उनका एडिशन या डिफरेंस है तो 14 होगा या फिर 6 होगा, एडिशन 40। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हम ले सकते हैं 40 लाने के लिए, 20 into 2 भी नहीं होगा, then we have moved to the smaller combination, so 8 into 5, 40 होता है, but यहाँ minus का expression जो है, हमें minus expression चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, minus का 8x और plus का 5x, so when we add these two number, तो their difference comes minus 3x, and their product comes minus 8x into 5x is equals to minus 40x square. ठीक है, so how can we divide this minus 3x, minus 8x plus 5x, is that clear? So splitting kiya, x square minus 8x plus 5x minus 40. अब कोई किसी के मन में ये डाउट हो कि सर पहले माइनस एट एक्स क्यों लिखा, 5x लिख दें तो चलेगा, 5x लिख सकते हैं, नो इश्यू इन दैट। ठीक है, पहले कौन सा पार्ट लिखना है वो कंपल्शन नहीं है कि ये ही लिखना जरूरी है, दो पार्ट में से कोई भी एक पार्ट आप पहले लिख सकते हैं, दूसरा बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को रीग्रुप किया, x कॉमन आया x माइनस एट, 5 कॉमन आया, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x माइनस एट, तो एक हो गया x माइनस एट, एक हो गया x प्लस 5। सो दैट इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इज दैट क्लियर? एनी डाउट इन दैट पार्ट? Confirm. Now we discuss the next topic of the factor theorem, factorization of cubic polynomial. Now cubic polynomial whose degree, maximum degree जो है variable की वो क्या है, 3 है, तो उसको factorization करना है। जैसे आपको cubic polynomial दे दिया, px is equals to x cube minus 2x square minus x plus 2. Px is x cube minus 2x square minus x plus 2. ठीक है? Now we are interested to find the factorization of this cubic polynomial. ठीक है? So now what is the procedure to solve this type of factorization? So to solve out the cubic polynomial, first we find out that value of x for which this polynomials becomes zero. Means क्या करना है, हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए
आपका ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स की वो वैल्यू आप रैंडम मतलब कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब पता कैसे चलेगा कि एक्स की वैल्यू कौन सी लेनी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हिडन ट्रायल टेक्निक्स यूज करेंगे, एक्स की अलग अलग वैल्यूज प्लेस करेंगे इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर, और चेकआउट करेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए आपका ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस, फॉर एग्जाम्पल कि हमने पहले प्लेस किया फॉर एक्स इक्वल टू वन इन द पी एक्स, तो क्या हुआ, पी वन इज वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, सो दैट कम्स वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, सो पी वन इज जीरो। सो एज आई पुट एक्स इक्वल टू वन इन द पॉलिनोमियल, the value of polynomial becomes equals to zero. So by that what we conclude that x minus 1 is factor of px. Why I am saying that x minus 1 is a factor of px? Because as I am putting x equals to 1 in this polynomial, I get a zero remainder. मेरा P1 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि x equals to 1 है तो x minus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। So x minus 1 is the factor of px. Thus x minus 1 is one of the factor of px. क्योंकि जब देखिए हमने जो फैक्टर थ्योरम डिस्कस किया, उस फैक्टर थ्योरम में हम क्या बोलते थे कि भाई इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा। अब उसी प्रोसीजर को हमने क्या किया, रेसिप्रोकल प्रोसेस मतलब रिवर्सली वो उसको अप्लाई किया, हमने क्या बोला कि एक एक्स की वैल्यू ली जिसके लिए चेक किया कि किस एक्स की किस वैल्यू के लिए मेरा पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, और जिस वैल्यू के लिए मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है दैट पॉलिनोमियल दैट लीनियर पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। उस वेरिएबल को यूज करके मतलब x x = 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि x की वैल्यू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल कि यदि x की वैल्यू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती, so what I am saying that x plus 1 is a factor of px. Minus 1 रखने पर इसकी value 0 आती है ना, तो ये minus 1 इधर आता तो x plus 1 हो जाता, तो x plus 1 is a factor of px. यदि x की value minus 2 रखने पर यदि मेरी polynomial की value 0 आ जाती, x equals to minus 2, then x plus 2 is a factor of px. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पता है, हाँ जी, हाँ डेफिनेटली। तो अभी हम वो भी बोल सकते हैं कि x plus 1 is a factor of px, अभी जब हम इसका टोटल फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि x plus 1 भी इसका एक फैक्टर आएगा, ठीक है। तो अभी यहां हमने एक पहली रैंडम जो भी वैल्यू हमने प्लेस करी और वैल्यू जीरो आ गई तो वो हम उसका क्या ले लेंगे, फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। नाउ फैक्टर डिसाइड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस लीनियर फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का जो प्रोसेस होगा वो लॉन्ग डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नाउ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ px, और ये जो फैक्टराइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस हमने लिखा था वो रफ आउट नहीं कर रफली नहीं करना है, यू कैन एक्सप्रेस दैट इन फेयर आउट वर्क, फेयर आउट में उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो।
तो आप क्या करेंगे, x माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा। नाउ वी रीराइट द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एज यूजुअल, पहली टर्म और लास्ट टर्म को एज यूजुअल लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो सेकेंड टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो हाउ कैन वी डिवाइड दिस, जस्ट चेक इट आउट। अब आप क्या करेंगे, इसका सेकेंड टर्म क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर, दिस माइनस टू एक्स स्क्वायर इज डिवाइड बाय एक्स, दिस माइनस टू एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स। तो क्वेश्चन क्या आया, माइनस टू एक्स एंड दिस माइनस टू एक्स इज मल्टीप्लाई विद दिस, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, पहले x क्यूब, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करना है ना, तो फर्स्ट x क्यूब इज डिवाइडेड बाय x, x क्यूब इज डिवाइडेड बाय x, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आया, x स्क्वायर, क्या आया, x स्क्वायर, क्वेश्चन x स्क्वायर आ गया, और ये x स्क्वायर जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म आ गई माइनस x स्क्वायर। क्या किया, इट्स x क्यूब को x से डिवाइड किया, क्वेश्चन कम्स माइनस x स्क्वायर एंड दैट माइनस x स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, द रिजल्ट कम्स माइनस x स्क्वायर। तो पहला टर्म आ गया माइनस, हाँ ये x स्क्वायर इज मल्टीप्लाई विद माइनस वन, देन इट कम्स माइनस x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर आ गया। अब मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट नंबर क्या चाहिए, माइनस टू एक्स स्क्वायर, उस माइनस टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस का मुझे मिल गया, तो रिमेनिंग क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा टर्म कैसे निकाला, देखो पहला टर्म तो क्या किया, इस एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया, आई गेट एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन से, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना था, जिसकी पहली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर है। Now what will be the second term so that the resultant is minus 2x? तो दूसरी term क्या आ जाएगी, minus x square. This minus x square and this minus x square is minus 2x square. Is that clear? Now, हाँ इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है? Now ये आप जो था, yes हाँ बोलिए, क्वेश्चन कंप्लीट ना हो तो हो जाइएगा, एक सेकंड क्या टाइम हुआ है, नहीं होइएगा मैं वीडियो भेज दूंगा, ये पांच मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, नो इश्यू, ठीक है, ठीक है। नाउ अब ये थर्ड टर्म देखेंगे, एक्स स्क्वायर, नाउ दिस एक्स स्क्वायर अगेन डिवाइड बाय एक्स, ये एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड होगी, माइनस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स, द क्वेश्चन कम्स माइनस एक्स एंड दिस माइनस एक्स इज मल्टीप्लाई विद माइनस वन, इट इज प्लस एक्स, माइनस एक्स इज मल्टीप्लाई विद माइनस वन, इट कम्स प्लस एक्स। अब मुझे, हाँ जी माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, यही प्रोसेस है ना, कि ये जो थर्ड टर्म है उसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया प्लस एक्स, ठीक है। अब ये प्लस एक्स आने के बाद हमें रिजल्टेंट यहां क्या चाहिए, माइनस एक्स, सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्स सो दैट द रिजल्टेंट कम्स माइनस एक्स, माइनस टू एक्स, मुझे रिजल्टेंट टर्म क्या बनानी है, माइनस एक्स, और इन दोनों टर्म का रिजल्टेंट क्या बनाना था, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो बीच, पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे, एक बीच वाली टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, क्यूबिक पॉलीनोमियल में हमें क्या करना है, बीच वाली दोनों टर्म को क्या करना है, दो दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ लास्ट टर्म तो एज इट इज हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने लिखा था, अब हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुपिंग बना लेंगे, ये ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, तो इन दोनों में क्या टर्म आई कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वन, इन दोनों में कॉमन क्या आई, माइनस एक्स कॉमन आया, एक्स माइनस वन, इन दोनों में कॉमन क्या आया, माइनस टू कॉमन आया, एक्स माइनस वन। नाउ एक्स माइनस वन एक फैक्टर, हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आया इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कि इस बीच वाली टर्म को इस तरीके से डिवाइड करना है कि
इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस टू एक्स स्क्वायर, और एडिशन क्या आना चाहिए, माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। हाँ जी, हाँ जी, बोल। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये माइनस टू। वो तो कॉमन टर्म है ना, क्यूब कैसे रहेगा, वो तो तीनों में कॉमन है ना, तो कॉमन टर्म आएगा ना। तो अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन ले लिया, एक्स माइनस टू। तो वन फैक्टर इज एक्स माइनस टू, अनदर थर्ड फैक्टर इज एक्स प्लस वन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन फैक्टर टर्म होंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू।